हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह का वक्त हो रहा है, देखिए सूर्यांश नाश्ता कर रहा है और नाश्ता हो चुका है, वो थोड़ा बहुत ही खाता है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा था तो दादी इसे दवा खिला रही हैं। तो सूर्यांश स्कूल जा चुका है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मशीन लगा दी है, तो जब तक काम करेंगे तो कपड़े भी धुल जाएंगे। और वेदांश की भी तबीयत ठीक नहीं है, सूर्यांश की भी ठीक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मैं चाय बना लूँगी, आप लोग भी चाय पी जाइए। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैंने चाय बनाने रख दी है, तो मैं चाय देने ही जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 4-5 दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं डाला था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। छाले अच्छे से ठीक हो चुके हैं, मतलब एकदम अच्छे से ठीक नहीं हुए अब मैं बोल सकती हूँ, नहीं तो 2 दिन तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। कल का मेरा फास्ट था, कल सोमवार था और परसों का। मैं सोच रही थी आप लोग से शेयर करूँ पर क्या शेयर करती, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे को। खाना भी मैं अच्छे से नहीं खा रही थी और अब मैं ब्लॉग आपके पास बराबर भिजवाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाय दे देती हूँ। फ्रेंड्स, कभी ऐसे छाले नहीं होते थे, पता नहीं अब कैसा क्या हो रहा है, भगवान किस चीज़ की सजा दे रहा है। तो 3 महीने से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ छाले के वजह से, बोल भी नहीं पाती हूँ, ना खाना खा पाती, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने रूम में पोछा लगा लिया था, बरांडे में भी लगा लूँगी। और जो हमने कपड़े धोए थे वो भी धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ज़्यादा 3 बाल्टी भर के कपड़े हो गए थे। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मशीन ही लगा लेती हूँ। तो मैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है तो मैं सारे कपड़े धूप में सुखा लूँगी। और अब बारिश का तो कोई नामो निशानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, आगरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा भी नहीं चलती है। शाम को छत पर जाओ तो हवा भी नहीं चलती है, बहुत ही गर्मी हो गई है। तो देखिए, सारे कपड़े मैं सुखा लूँगी। हम लोगों के कपड़े नहीं है, पापा जी और इनके ही कपड़े मिलेंगे आपको। फिर मैं नहाने चली गई, नहा धो के आ गई हूँ मैं, मुझे कहीं जाना है फ्रेंड्स। पड़ोस में गणेश भगवान जी के विसर्जन है तो वहाँ जाना है, हवन है तो वहाँ पर मैंने साड़ी पहनी है तो वहाँ पर जाना है। पूजा वगैरह में मैं साड़ी ही पहनती हूँ, डेली में सूट पहन लेती हूँ। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर वहाँ से पूजा से आ गई थी तो 4 बजे का ये है। फिर खाना वगैरह खा लिया तो कुछ भी शूट नहीं करा है, तो फिर मैं बना रही हूँ। हस्बैंड को भूख लगी थी तो मैं उनके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ, मैक्रोनी मैंने बॉयल कर ली है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, प्याज लिए और हरी मिर्च लिए है, वही मैं अच्छे से तेल गरम हो चुका है फ्राई कर लूँगी। और मसाले पहले बच्चों की फीकी बना दी है बिना मिर्ची की, अब मैं स्पाइसी थोड़ी बना लूँगी क्योंकि बड़े लोग हैं, बिना मिर्ची की नहीं खाते। आज पापा जी भी घर पर हैं, आज मंगल है तो पापा जी, मंगल को मैंने आपको पहले बताया था, मंगल को पापा जी की छुट्टी रहती है तो आज पापा जी भी घर पर हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी पूरी फैमिली घर पर है, पापा जी और ये भी घर से वर्क करते हैं, तो सभी के लिए मैं मैक्रोनी बना दूँगी। और सूर्यांश के लिए पहले मैंने बिना मिर्ची की बना दी थी, तो सूर्यांश अपना खा के चला गया है ट्यूशन, तो मैं अब डाल लूँगी इसमें किसान सॉस, तो हल्की ही डालूँगी क्योंकि जिसे खाना होगा वह ऊपर से ले लेगा। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, थोड़ी सी मिर्ची डाली है और हरी मिर्च थी और नमक डाला, हल्दी नहीं डाली है और सॉस डाली है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। और फिर मैंने ऊपर से गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ी तीखी हो गई थी पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी मैक्रोनी। फ्रेंड्स, हस्बैंड को मेरी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो देखिए, मैक्रोनी मेरी बन के तैयार है। और वेदांश को ट्यूशन के लिए जाना था तो वेदांश ट्यूशन के बहाने सो गया है, उसे ट्यूशन ना जाना पड़े, उसका हमेशा का है ट्यूशन जाने के टाइम ही वो सोता है, उसे सुबह से नींद नहीं आती है। फ्रेंड्स, फिर मैं चाय बनाने रख दूँगी। 4 बज चुके थे, 4-4:30 बज रहे थे, तो मैं पापा जी के लिए और मम्मी जी और अपने लिए चाय बना लूँगी। फिर सब लोगों का मैक्रोनी खाना वगैरह सब हो गया था फ्रेंड्स, चाय वगैरह मैंने सभी को दे दी थी। तो फिर मैं आ गई थी कपड़े उतारने, 5 बज चुके थे तो कपड़े उतार लूँगी। तो सारे कपड़े सूख चुके हैं अच्छे से, सुबह मॉर्निंग में ही डाल दिए थे तो क्यों नहीं सूखेंगे, धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है। तो सारे कपड़े मैं उतार लूँगी फ्रेंड्स।
मैंने कुछ भी नहीं खाया था, वेदांत सो गया था शाम को। फ्रेंड्स ये रात का है, मैंने शाम को बनाए थे भिंडी की सब्जी और रायता और रोटियाँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो हस्बैंड को मैंने दे दिया है, अब मैं पापा जी मम्मी जी को देने जाती हूँ। पापा जी को भी अभी दे के आ गई हूँ, अब ये मम्मी जी को खाना दे दूँगी मैं। और बच्चे ने नहीं खाया बच्चों ने, क्योंकि पड़ोस में भंडारा हुआ था तो बच्चों ने वहाँ खा दिया था, तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो देखिए पापा जी खाना खा रहे हैं और मम्मी जी खा रही हैं, टीवी भी देख रहे हैं। फ्रेंड्स रात का वक्त था तो पास में ही गणेशवान जी रखे गए हमारे, तो वहाँ हम लोग गए थे। देखिए ये झांकियाँ निकली थी, बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, छोटे बच्चे थे। और देखिए पीछे गणेशवान जी हैं, तो वहाँ का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल में नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ सबसे पहले। और शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे।